नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी इवेंट प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं जो मैच कवर करने वाले हैं, ओमान D10 का सेकंड मैच है जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। QUT वैसे BUB टीम्स की भी डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस पोजन पर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा कैसे आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, हमारा संपूर्ण एनालिसिस आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की जो कि फैंटेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आप इस मैच में मीडियम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो हमारा फाइनल टीम होगा, जिस टीम से हमारा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अपने फाइनल अपडेट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पर अपने जाके सर्च कर लीजिए @RealFWP। आपको फैंटेसी विन प्रोडिक्शन का चैनल दिखेगा, 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है। उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल बने हैं तो उनसे सावधान रहिएगा। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का सबसे बेस्ट तरीका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर जो लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल जुड़ेंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा और जब कभी लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम पर अपने सर्च करिए और सेम यूजर नेम यहाँ पर देखिए और 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की तो मैच रात में 11:30 PM से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है अल अमृत क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच खेला जाएगा। बात करें दोस्तों मैच की विकेट की तो ओवरऑल विकेट बैलेंस मान के अपनी टीम क्रिएट करेगा। यहाँ पे दोस्तों बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पे ईजी है नहीं, ठीक ठाक सपोर्ट बैट्समैन को भी रहता है, ठीक ठाक यहाँ पे बॉलर्स को भी रहता है जो अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर विकेट भी मिलते हैं और बाउंड्री दोस्तों यहाँ पर छोटा होता है तो जो हार्ड हिटर बैट्समैन होते हैं, जो अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, वह यहाँ पर ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। हालांकि दोस्तों जिस टीम का बॉल फर्स्ट होगा उसके बॉलर्स आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो टीम बैट फर्स्ट करती है T10 में हमेशा उसके माइंड में यही होता है कि एक बड़ा स्कोर सेट करना है, तो पहले बॉल से एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उस सिचुएशन में उनके अच्छे खासे विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। और सेकंड इनिंग में दोस्तों क्या होता है कि बल्लेबाजों के सामने एक टारगेट शॉट होता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं। तो जिस टीम को बॉल फर्स्ट हो आपने उसके मैक्सिमम बॉलर्स कवर करने की कोशिश करनी है और दोस्तों खासकर जो मेन बॉलर हैं जिनके 2 ओवर पूरे डालने के चांसेस है वो टीम में आपके थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें आपको यहाँ पे 80 से लेकर 100 रन के बीच स्कोरिंग 10 ओवर में बनती हुई दिख सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे QUT टीम्स की, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं पी अथावले और ऐसे राणा नईम। बात करें दोस्तों अथावले की, राइट हैंड बैट्समैन है और ब्रेक बॉलिंग के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं है। 10 मैचेस के अंदर 95 रन का स्कोर उन्होंने किया हुआ, 2 विकेट हैं, 2 ओवर डाल के लास्ट के 10 मैचेस के अंदर स्टैट्स है। अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक चॉइस रहेगी। एक एवरेज बैट्समैन है लेकिन टॉप ऑर्डर खेलते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राणा नईम की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं, 17 गेम के अंदर 127 रन है, 13 विकेट हैं, 40 ओवर की बॉलिंग डाल के लास्ट के 17 गेम में इन्होंने बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी करी हुई है लेकिन दोस्तों बैटिंग से उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जब ओपन कर खेलते हैं तो वहाँ पर ओपन करते हैं, तो इसलिए मैंने एज ए ओपनर मेंशन किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में ओपन करना चाहिए, आप बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग करके आपको देने वाले हैं, साथ में बैटिंग से भी ओपन करके तो आपके वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी पिक रहने वाले हैं। आशीष कोटेद्रा की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, जरूरत पड़ी तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर सकते हैं लेकिन बॉलिंग कराने के चांसेस कम रहते हैं, 1 डाउन बैटिंग करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। 11 मैच के अंदर 189 रन इनके पास है लास्ट के 11 मैच में और 2 ओवर डाल के 1 विकेट है, तो एज ए बैट्समैन खेलेंगे, 1 डाउन बैटिंग करेंगे, GL के अंदर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो स्पेशली बैट फर्स्ट। नीचे देखेंगे दोस्तों पे हासिर ए दफेदर, राइट हैंड बैट्समैन, 15 लास्ट 15 गेम के अंदर 366 रन है, 53 का एवरेज है, थोड़ा सा नीचे खेलते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट आउट रहते हैं इसलिए एवरेज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो GL के अंदर ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगे। बात करें दोस्तों एस भूखापट्टनम की, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, 16 मैच के अंदर 13 विकेट उन्हें चटकाए हुए हैं, ये भी आपको 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जे असगर अली की बात करें, 30 मैच के अंदर 398 रन है, एवरेज अच्छा है लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे छोड़ सकते हैं। हाइपर रतन की बात करें, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, 11 मैच में 101 रन, 10 विकेट, 28 ओवर डाल के GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट में आकर हार्ड हिटिंग कर सकते हैं और 1-2 ओवर बॉलिंग भी कभी कभार डाल देते हैं। ऐसे स्वप्निल कुछ खास पिक रहेंगे नहीं। जी चंद्रशेखर इनकी टीम के मेन पेस बॉलर, लास्ट 28 गेम के अंदर 38 विकेट उन्होंने चटकाए हुए, 100 ओवर की बॉलिंग करके मस्ट है पिक है आपकी टीम में, 2 ओवर की कन्फर्म बॉलिंग करने वाले हैं तो आपको अपने भी ट्राई करना है। बात करें दोस्तों एस श्रीवास्तव की, बेहतरीन क्वालिटी लेग स्पिनर है, मस्ट है पिक है, 2 ओवर ये भी कंफर्म डालेंगे, अच्छे खासे विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, बॉल फर्स्ट हो सेकंड हो दोनों कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो, 18 गेम के अंदर 37 विकेट निकाले हुए हैं, 17 ओवर की बॉलिंग करके मस्ट है पिक है आपकी टीम के, लास्ट के 18 मैचेस जिन्होंने खेले हुए अपने करियर में। मुनीस अंसारी भी काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, स्विंग बॉलर है और एक अच्छा लेंथ पर बॉलिंग डालते हैं, 17 गेम के अंदर 19 विकेट है, तो बॉल फर्स्ट में ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रशेखर के साथ डेथ में भी मुनीस अंसारी बॉलिंग करने आते हैं। अब दोस्तों इनके टीम के मेन बॉलर जिनके 2 ओवर नहीं कटने वाले, तो उनमें से ये 3 हैं, ये अपने कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग करके 6 ओवर की बॉलिंग ये दोनों जरूर डालने वाले, बाकी के दोस्तों 4 ओवर बचते हैं
वो यहाँ से हाई चांसेस हैं कि जो विशाखापट्टनम दिख रहे हैं और यहाँ से मतलब और यहाँ से राणा नईम दिख रहे हैं, इन दोनों के हाई चांसेस हैं कि आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे ये भी दो दो ओवर। तो ये जो मैंने 5 बॉलर बताए, 3 नीचे से और 2, तो कुल मिला के 10 ओवर की बॉलिंग करना चाहिए। बाकी यदि दोस्तों 6 बॉलर की ज़रूरत पड़ती है, यदि किसी कोई बॉलर की पिटाई होती है, तो यहाँ से रतन वगैरह को 6 बॉलर के रूप में टीम यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों ये बॉलिंग का ब्रेकअप था, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि बेंच में मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये लोग नहीं खेलने वाले, इन लोगों का सिलेक्शन बहुत हाई होगा। के प्रजापति, जितेंद्र, शोएब और रेहान खान, ये सब लोग नेशनल टीम से अभी इनके वनडे की सीरीज वगैरह चल रही है यूएई वगैरह कहेंगे यूएई के अंदर, तो उसमें सब बिजी रहते हैं, तो ये सब वहाँ हैं तो खेलेंगे नहीं, इनका कन्फर्म ही ये लोग नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्यूटी का परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, विथ बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली यही रहना चाहिए। अब दोस्तों हम दूसरी टीम की बात करते हैं, यहाँ पर जो रहने वाली है बीयूबी की टीम। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, लास्ट मिनट अपडेट, फाइनल टीम सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, तुरंत आके आप जुड़ जाइए, सारी अपडेट फाइनल टीम वहीं प्रोवाइड की जाएंगी। बीयूबी दोस्तों बात करेंगे, तब से ओपनिंग करते देखेंगे अब्दुल रऊफ और एसपी माशी। बात करें दोस्तों रऊफ की, राइट हैंड बैट्समैन पर स्किपिंग करेंगे, मस्ट हैव पिक है, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, पहली बॉल से हार्ड हिटिंग करते हैं, 41 गेम के अंदर 990 रन, 27 की ओवरेज प्लस स्किपिंग करेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन से आँख बंद करके आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए। माछी की बात करें दोस्तों, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर जाते हैं कभी कभार अच्छी खासी, लास्ट 28 गेम के अंदर 695 रन, 26 का बैटिंग, साथ में 12 विकेट हैं, 1 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, साथ में आपको बैटिंग से अच्छा खासा बैकअप देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे अजय लाल चेटा, मस्ट हैव पिक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज, शुरू में थोड़ा टाइम लेंगे फिर सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं, इस टीम का सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर में से एक है, 25 गेम के अंदर 433 रन है, 27 की एवरेज, 28 विकेट है, 70 ओवर डाल के मस्ट हैव पिक आपकी टीम, क्योंकि 2 ओवर की कन्फर्म बॉलिंग करके देंगे, प्लो ऑन डाउन बैटिंग करेंगे, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए स्मॉलिंग में रहने वाले हैं। अदनान सुलेहरी की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, 35 गेम में 700 करीब रन है, 22 की एवरेज, हार्ड हिटिंग के लिए जान जाते हैं, बैट फर्स्ट में ट्राई करिए अदरवाइज छोड़ दीजिए। नीचे देखें आशिफ खान, लेग स्पिनर है, राइट हैंड बैट्समैन है, 1 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, 27 गेम के अंदर 600 करीब रन है, 30 की एवरेज से 18 विकेट है, 60 ओवर डाल के ठीक ठाक चॉइस रह सकते हैं, आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। शुभोपाल मुझे कुछ खास लगे नहीं, सुफियान महमूद, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर, हार्ड हिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, कभी भी इनको प्रमोट किया जाता है, 25 गेम के अंदर 600 करीब रन, 32 की एवरेज, साथ में 27 विकेट है, 100 ओवर की बॉलिंग करके मस्ट हैव पिक है, T20 के अंदर अपने 4 ओवर कंप्लीट कराते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं सुफियान, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फवाद अली की बात करें, 36 गेम 2 विकेट, जीएल में जरूर ट्राई करिए, लेफ्ट आर्म पेसर है, बॉल फॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरफाक छोड़ दीजिएगा। सिद्ध मेहता की बात करें, ऑफ ब्रेक बॉलर है, 58 गेम 84 विकेट, मस्ट हैव पिक, कट्टाई मतलब यार छोड़ना नहीं है, जरूर लीजिएगा, स्पेशली बॉल सिंगल नहीं छोड़ेगा, बॉल फर्स्ट चाहें तो रिस्क ले लीजिए। बिलाल मोहम्मद साह की बात करें, बॉल फर्स्ट हो गए तो डेथ में इस टीम के लिए आएंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 28 गेम के अंदर 37 विकेट है, 87 ओवर की बॉलिंग करा के। बेंच में कुछ प्लेयर हैं, ये लोग मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे नहीं, लोग बेंच में ही रहने वाले हैं। अब दोस्तों इनके हम मेन बॉलर की बात करें, जिनकी 2 ओवर डालने के पूरे चांसेस, एक तो यहाँ से सुफियान महमूद हो गए, ये भी आपको 2 ओवर करा के देंगे, दूसरे यहाँ से हो गए सिद्ध मेहता, और तीसरे यहाँ से बुलाल मोहम्मद साह, इन 3 का 6 ओवर लगभग मन के लिए कन्फर्म रहता है, बाकी के दोस्तों जो 4 ओवर बचते हैं वो यहाँ से अजय लाल चेटे का भी 2 ओवर कन्फर्म है, तो 8 ओवर कट गए, बाकी के दोस्तों जो 2 ओवर बचे उनमें से यहाँ से आसिफ खान हो गए और यहाँ से आपको दिख रहे हैं फवाद अली, इन दोनों के बीच डिवाइड रहेंगे, हो सकता है एक ओवर करा जाए। तो दोस्तों हम इस मैच का टीम क्या चलिए, हम टीम देख लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए अपने तुरंत टेलीग्राम चैनल से एंट्री लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करिए और तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या हमारा, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं रऊफ के साथ जा रहा हूँ, विकेट कीपिंग सेक्शन में इनसे बेहतर चॉइस आपको नहीं मिलेगी, आपको इन्हीं को पिक करना है। बैटिंग सेक्शन मैंने ए गुडादरा, पी माछी और ऐसे अदनान सुलहरी को पिक किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन मैंने राणा नईम, पी अथावले, अजय लाल चेटा और ऐसे एस महमूद के साथ गए हूँ। बॉलिंग सेक्शन दोनों मैंने एम अंसारी, जी चंद्रशेखर और ऐसे बी मोहम्मद को पिक किया हुआ है। अब दोस्तों कैप्टन दोस्तों मैंने अजय लाल चेटा किया, वो सेफ ऑप्शन है, आपको 1 ओवर बैटिंग करके देंगे और साथ में आपको 4 ओवर अपने सॉरी T10 है 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, तो आपके लिए कैप्टनसी के सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। वाइस कैप्टन में राणा नईम को यह डोमेस्टिक के अंदर जो मैचेस उन्होंने खेले हुए आप ओपन किया हुआ था और साथ में 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे, तो मेरे सीबीसी में जो टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे। वाइस कैप्टन यदि आप लोग सेफ जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो, माछी को ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बॉलिंग इनका कन्फर्म नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों बॉल फर्स्ट होता है इस टीम का, जो आपको दिख रहे क्यूटी की टीम, तो इनके जैसे बॉलर जी चंद्रशेखर को आप जेल के अंदर सीबीसी जरूर ट्राई करिएगा, देश में बॉलिंग करना लगभग इनका कन्फर्म रहता है। दोस्तों को जीएल के सीबीसी को ऑप्शन थे, बाकी दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम यही है। आप जिस भी फैंटेसी ऐप में खेल रहे हैं चाहे तो सेम टू सेम टीम लगा सकते हो, यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वीडियो को इन्फ्यूज करके चेंजेस भी कर सकते हैं। मेरा टीम अभी के लिए यही है, इसी टीम से मैं अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, आफ्टर टॉस इस टीम में कुछ चेंजेस करता हूँ तो जो मेरी फाइनल टीम होगी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए, वहीं हमारी फाइनल टीम आफ्टर टॉस अपडेट होने वाली है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। वीडियो लाइक नहीं किया था तो जोरदार
एक लाइक दबा के जाइए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए। और दोस्तों टीम प्रिव्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, फैंटेसी के साथ साथ मैं गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो। तो यदि आप लोग प्ले स्टोर पर साइनअप करना चाहें तो टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो वहाँ ऊपर स्क्रॉल करिएगा, लिंक मिलेगा, साइनअप कर सकते हैं, बढ़िया ऐप है। उसके ब्रांड एम्बेसडर भी स्मृति वंदना मनुष्य कुमार है, तो आप प्ले कर सकते हो। बाकी आप या फिर आप जिस भी फैंटेसी में खेल रहे हैं, जहाँ भी आप जीत रहे हैं, बस मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि जहाँ भी आप जीत रहे हो खेलो, बस प्रॉफिट में रहो, बस यदि आप प्रॉफिट में नहीं हो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम से जुड़ जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।